हमारे इमरजेंसी रेस्क्यूअर मैं खलूस नीयत से पूरी लगन और दयानतदारी के साथ इस इमरजेंसी सर्विस में खिदमत सर अंजाम दूंगा। जात पात रंग नस्ल और मजहबी तासुब से बाला तर होकर करूंगा। मैंने जो है वासित किया है इसे फैलाऊंगा ताकि सब इससे मुस्तफीद हो सके। आज हमें बेहद खुशी है सर कि आज पंजाब के बाद जब खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान सर्विस बनी और अब बलूचिस्तान को भी यह एहसास तहफ़्फ़ुज़ होगा, दिन हो चाहे रात, आंधी हो चाहे तूफान, ज़लज़ला हो चाहे आग, आज वो एक नंबर डायल करेंगे तो उनको कोई सिफारिश नहीं ढूंढनी पड़ेगी। कोई अमीर गरीब का फ़र्क रखे बगैर आज उसको सर्विसेज मिलेंगी। आज बलूचिस्तान की कोई हाईवे के ऊपर कोई शख्स हादसे की वजह से जो भी उसको मुमकिन हो सकती है मदद वो मिलेगी। समझता हूँ एक बहुत बड़ा ये तारीखी कदम है। आप जैसे रेस्क्यूअर्स हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत हैं एंड वी आर थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड स्पेशली द डायरेक्टर जनरल फॉर दिस रेस्क्यू रिजवान साहब कि वो हमें फैसिलिटेट करते हैं कि हमारे रेस्क्यूअर्स की ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। पंजाब गवर्नमेंट ने हमेशा बलूचिस्तान से प्यार किया है, वफा की है और ख़ास तौर पर मौजूदा चीफ मिनिस्टर जो हैं सरदार उस्मान खान गुलजार साहब, उनकी ये सोच है कि ये बलूचिस्तान सूबा हमारा छोटा भाई है तो पंजाब की तरफ से ऐसा हम जस्टिस दें, ऐसे इकदाम उठाएँ कि वहाँ पे भी ये मैसेज जाए कि पंजाब एक बड़े भाई का किरदार कर रहा है। तो इंशाल्लाह पंजाब हुकूमत पहले भी और आज भी इंशाल्लाह सूबा बलूचिस्तान के लिए बड़े भाई का किरदार करती रहेगी इंशाल्लाह। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से मैं हुकूमत पंजाब और एमरजेंसी सर्विस एकेडमी का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपकी काविशों से आज रेस्क्यू सर्विस बलूचिस्तान में हकीकत का रूप धार चुकी है। आज चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान की विजन और हुकूमत पंजाब के तआवुन की वजह से हालात बदल चुके हैं। आज बलूचिस्तान की शाहराएँ काफ़ी हद तक महफूज हैं। जाम मर्ग 14 सेंटर दो अहम तरीन शाहराओं पर रेस्क्यू की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं।